हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी खास पेशकश गाड़ी बुला रही है मैं और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम राजधानी जयपुर के मुख्य जंक्शन पर हैं और आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा की टक्कर इस बार कड़ी है। आखिरकार ये मुख्य जंक्शन है और इसी वजह से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर है, लेकिन इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए बीजेपी ने अलग समीकरण तय किए हैं। हम यहाँ से आज दूरी तय करेंगे 151 किलोमीटर की अलवर की, जहां पर भी लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं। पूरी 25 की 25 पिछली बार जो है वो सीटें बीजेपी ने जीती थी। मोदी सरकार में काम कैसा हुआ? मोदी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या अच्छा काम हुआ? सारी अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार में, सारे अच्छा काम हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम आगरा जा रहे हैं। आगरा के हैं? हाँ, आगरा के। अच्छा, मोदी सरकार में काम कैसा हुआ? आप देख सकते हो कैसा हो रहा है मोदी सरकार में। जयपुर में तो अच्छा ही काम अच्छा हुआ है। काम हुआ। आपके सांसद ने कैसा काम करवाया? हमारे सांसद ने भी अच्छा ही काम हुआ है। अच्छा सागर से फिर से एक बार लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, कौन जीतेगा? मोदी। आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार है? बिहार। बिहार जा रहे हैं, कहाँ के हैं? मुगलसराय। मुगलसराय के हैं। यहाँ जयपुर रहते हैं? क्या करते हैं? सिलाई का काम करते। सिलाई का काम। बिहार में काम नहीं मिलता? नहीं नहीं है, इसलिए आपको पलायन करना पड़ता है। नीतीश बाबू क्या करते हैं? सिर्फ सरकार में तो हैं, इतने सालों से कोई काम नहीं किया? अरे भैया, हम लोग क्या जान रहे, काम नहीं है, यहाँ आए हैं। काम नहीं है इसलिए यहाँ आए हैं। तो अब आप ट्रेन आ गई है और उसकी तस्वीर देखिए। तो हम पहुंच चुके हैं गरीब नवाज एक्सप्रेस में और 151 किलोमीटर के करीब की यात्रा है जो जयपुर जंक्शन से हम अलवर जंक्शन तक करेंगे। अलवर और जयपुर दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं। जयपुर जिले में दो लोकसभा क्षेत्र आते हैं जिनमें जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। अब एक डिब्बे में चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार। बिहार जा रहे हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद रहते हैं। तो अब आप अहमदाबाद में काम करते हैं? क्या काम करते हैं? सेंडिंग का है। सेंडिंग का, सरिया सेंडिंग का। सरिया का काम करते हैं। तो वहाँ पे बिहार में काम नहीं मिलता है? काम कम है। कम है। तो इतनी बार नीतीश कुमार की सरकार आई, रोजगार नहीं है? कुछ नहीं है। कहाँ कुछ नहीं है। तो सरकार कैसे बनती है नीतीश कुमार? बन जाता है वो लोग। उन लोग का क्या? मोदी सरकार ने कैसा काम किया? हमारे उधर कुछ नहीं किया। क्या विकास किया? कितनी सड़कें बनाई, कितना सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ गया है, कितना अच्छा हो गया है। देखिए यहाँ बॉर्डर पे देखे, चाइना बॉर्डर पे देखे, कितना काम हो रहा है। आप जाके आए थे चाइना बॉर्डर? नहीं, अब सुनता है, देखते हैं। हम भी आपसे सुन रहे हैं कि अच्छा अच्छा काम हुआ है। सड़कें बनी है, रेलवे स्टेशन भी डेवलप हो रहे हैं। मुरादाबाद सिटी भी स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी बन रही है, काम चल रहा है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्या मौका देंगे मोदी सरकार को? बिल्कुल देंगे। है? बिल्कुल देंगे। मेहनत बनी है। आप कहाँ से हैं? हम भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से हैं आप? अरे बाप रे, वस्त्र नगरी से। डेवलपमेंट है कि नहीं वहाँ पर? जी। क्या करती हैं आप? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं। क्या काम हुआ मोदी सरकार में? कुछ काम हुआ? राम जी को लाए तो काम तो हुआ। अच्छा, राम जी को लाए। अयोध्या में मंदिर बन गया जी। तो उस आधार पर आप वोट देंगे? अगर कृष्ण, अच्छा कृष्ण का तो बाद में आएगा। अच्छा, पहले उनके लिए हम वहाँ, इसलिए वोट देंगे। इसलिए वोट देंगे। हाँ भाई साहब। यस सर। मंदिर के नाम पर वोट मिलेंगे बीजेपी को? काम के नाम, काम पे, नाम पे। अभी भाभी जी नीचे कह रहे हैं कि राम को लाए हैं। वो भी एक, वो भी एक, वो भी एक काम है। उसको भी लोग चुनाव में लोग मानेंगे। बिल्कुल। और क्या विकास के काम आपको अच्छे लगे? आज मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। ट्रेन आज जो ट्रेन में सफर कर रहा हूँ सर। हाँ। आज की ट्रेन और 5 साल वाली पुरानी ट्रेन, यार 5 साल पुरानी रेलवे स्टेशन। हाँ। या 10 साल पुरानी रेलवे, उसको आप कंपेयर कीजिए। हाँ। ऑटोमेटिक पता लगेगा विकास कहाँ कहाँ हुआ। तो रेलवे स्टेशन अच्छे बने हैं, ट्रेन बिल्कुल साफ, ट्रेन साफ सफाई अच्छी हुई है। आप कहाँ के हैं? मैं कोटा से हूँ। कोटा से हैं आज? जब बहुत अच्छा। ओम बिड़ला जी के लोकसभा क्षेत्र से हैं जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो आप बताइए, वापस आएंगे वो? हाँ, जीतेंगे। कुछ काम करवाया? हाँ, काम तो अच्छा। कोटा तो हमारा बहुत खूबसूरत हो गया। कोटा बहुत अच्छा हो गया है ना, एक भी रेड लाइट नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल रेड लाइट फ्री है जी। रेड लाइट फ्री है। और अब ट्रैफिक ट्रैफिक भी अच्छा चल रहा है? ट्रैफिक बहुत अच्छा है और सिग्नल फ्री हो गया है। मतलब तो लोग कह रहे थे कि ये कांग्रेस ने करवाया वहाँ पर, अशोक गहलोत थे तब। तो फिर उनकी, उनको वोट क्यों नहीं मिला, उनकी सरकार कैसे चली गई? आप किसको लाना चाहती थी? अशोक गहलोत को लाना? नहीं तो बोलिए ना
जो चल रहा है वही है। मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। गुड़गांव आप यहीं के हैं? हाँ मैं जयपुर का हूँ, गुड़गांव में जॉब करता हूँ। अच्छा ये बताइए जयपुर में अभी आज भी राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, विधायक कांग्रेस के विधायक ने, इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें क्या समीकरण है? मुझे लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है, करें बीजेपी आनी चाहिए। जी श्योर। क्यों? अच्छा काम किया। अच्छा काम। सर आप बताइए विपक्ष में नेता कौन है, किसके नाम पे वोट दें? मैं तो आपकी बात जानने आया हूँ ना। विपक्ष में नेता कौन, तो फिर वोट कैसे देंगे हम? फिर वोट कैसे देंगे जी? बंदरवाड़ करवाने के लिए, देश को बर्बाद कराने के लिए सर? आप नहीं बोलेंगे मुझे? अमीश देवगन जी, अमीश देवगन जी सब अच्छा लगता है आपके यहाँ कनॉट प्लेस? अमीश जी का शो देखते हैं आप? बिल्कुल रोजाना देखता हूँ, कभी नहीं छोड़ता। और कनॉट प्लेस से त्रिवेदी जी देते हैं, उनका शो देखते हैं। भैया जी कहीं? हाँ भैया जी कहीं देखता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। उससे भैया जी कहीं से ये बात पता लग जाती है देश का मूड क्या है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अमीश जी के शो से आपको क्या अच्छा लगता है? सर उनके डिबेट बहुत अच्छी लगती है। आप बताइए कि अभी जो मोदी सरकार ने काम कराए, चार ऐसे कौन से काम है जो इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिलवाएंगे? सर चुनाव मैं आपको काम बताता हूँ, पहले मैंने आपको एक काम बताया अभी। दूसरी बात सर, आज दुनिया मोदी को क्यों माननी है सर? बताइए ना, दुनिया मोदी को क्यों माननी है? आप तो मुझसे सवाल कर रहे हैं सर, मैं आपसे सवाल कर रहे हो ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? मैं तो आपकी बात जानने आया हूँ। हाँ। नहीं तो लोग कहेंगे ये सिर्फ अपनी बात। सर मोदी को दुनिया पूछ रही है सर, तो फिर आएगा तो मोदी, इसलिए आएगा ना, आएगा तो मोदी। और भाई साहब आप अटेंडेंट है क्या? क्या नहीं, एसी मैकेनिक। अच्छा एसी मैनेजर है? मैनेजर नहीं, मैकेनिक। अच्छा एसी के मैकेनिक, इलेक्ट्रिसाइड काम करते हैं। सारी एसी खराब हो जाती है तो आप तुरंत ठीक कर देते हैं? तुरंत बोल के नहीं साहब, टाइम लगता ना। जब हम, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार तारिणी पूरा नाम। संतोष कुमार जी कितने साल से कर रहे हैं आप? हम तो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 1980। अच्छा। और इसमें स्कॉटिंग कर रहा है 2007 से। 2007 से ट्रेन बदली है क्या कुछ? ट्रेन कुछ बदलाव हुए हैं ट्रेन में या पहले जैसी? ना एलएचपी कोच तो सब आ गया, ये ओनली ये पूर्णा रेगा है। हाँ। ये भी सुन रहा है, चेंज हो जाएगा। अच्छा ये आपका कोच है ये? हाँ यहाँ पर मेरा तो रहने का जगह नहीं, खर्चा में हम लोग रहते यहाँ रहते सर। अलवर से? अलवर से। अरे बहुत बढ़िया, आप अलवर ही जा रहे हैं? हाँ सर। बाबा बालकनाथ यहाँ से सांसद थे, इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति है, क्या मुद्दे हैं? सर अलवर का तो वही हिंदू मुस्लिम वाला, थोड़ा वहाँ का मेवा तो एरिया थोड़ा वैसा है, तो वहाँ पे तो अलवर में क्या हिंदू मुस्लिम होता है? हाँ सर वो जो मेवात वाला एरिया है उधर थोड़ा हिंदू मुस्लिम ज्यादा होते भी हैं सर। क्या मुद्दे हैं अलवर के? अलवर की समस्याएं क्या है? अलवर की सर यही है, एक तो थोड़ा डेवलपमेंट जिस हिसाब से उसका होना चाहिए उस हिसाब से होता हुआ हो नहीं रहा है। वहाँ पे जिस तरह का माहौल है तो वो इंडस्ट्रीज को लेकर वहाँ पे सुटेबल नहीं है, वैसा उस तरह का माहौल है वहाँ पे। करौली में कैसे हाल है? ठीक है सर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या पानी की समस्या है। पानी की है? हाँ। तो ये ईआरसीपी आ जाएगी, इससे फायदा पहुँचेगा? हाँ, उससे पड़ेगा। हाँ। घोषणा तो हो गई है, एमओयू हुआ है, काम चालू तो आज आते है, ये अच्छी बात है। पानी बात है, सबसे मेन समस्या पानी की हमारे, पानी की है। हाँ। एक बात बताइए आपके सांसद ने कैसा काम करवाया? कोई काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया, नहीं करवाया। अब की बार जो चुनाव होंगे, नया चेहरा चाहिए। और एक बात बताइए कि वहाँ पर आपके करौली के अंदर अभी पानी के अलावा क्या क्या समस्याएं हैं? और समस्या तो कुछ लाइट की अब चलने लग गई, पहले नहीं थी इतनी, लेकिन अब तो लाइट की समस्या ज्यादा हो गई, पहले बिजली नहीं। मोदी सरकार ने कोई काम करवाया? करवाया साफ करने को, लेकिन इतना नहीं जितना चाहिए। अयोध्या से? अयोध्या से है, भगवान राम का मंदिर बना है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ठीक लग रहा है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब ये बताइए कि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, है ना, और एक बार फिर से चर्चाएं हो गई है तेज, अब आपके मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे? क्या मुद्दा क्या है अब तो है? मुद्दा जो था खत्म हो गया। कैसे? अरे मंदिर का मुद्दा था, मंदिर का मुद्दा काम खत्म हो गया। हाँ, अब क्या बचा? आप कहाँ से? जी बिहार से। बिहार से हैं? और जा कहाँ रहे हैं? बिहार ही जा रहे हैं। अच्छा बिहार ही जा रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं? अजमेर से। अजमेर शरीफ जाकर क्या है? एक बार बताइए मोदी सरकार के टाइम में कितना काम हुआ है? जो भी है अच्छा है। अच्छा हुआ है? है? अच्छा ही है। क्या अच्छा काम हुआ? आपको क्या काम अच्छा लगा? जो भी है सही है, सही चल रहा है, मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। लोकसभा के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे आपके हिसाब से? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे देश का शिक्षा ही है। शिक्षा है बस, सारी समस्याओं का हल बस शिक्षा ही है। यदि ना शिक्षित कर दीजिए लोगों को सर, शिक्षित कर दीजिए, रोजगार वो अपने आप ढूंढ लेंगे बस। और इन्हीं जगहों पर लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन्हें मेन मुद्दों से हटाकर
अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना क्यों नहीं चाहिए, बोलिए ना। सही सही मैं हमारा सिंपली सोचना ये है कि यदि हमें कहीं भी लड़ना है तो केवल शिक्षित होना जरूरी है। मुद्दा तो ये, एक तो पानी की प्रॉब्लम बहुत है, मतलब पानी के इतनी प्रॉब्लम है, अलवर में दो दो दिन में पानी आता है। बालकनाथ योगीनाथ कर क्या रहे, कुछ नहीं। उनसे पहले चांदनाथ थे, पर बीच में उपचुनाव हुआ है, किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये जब इलेक्शन आते हैं ना, जब तो रोड बनती है, और जब इलेक्शन नहीं, इलेक्शन खत्म, रोड भी बंद, कुछ नहीं, शिविर का पानी, गंदा पानी निकल रहा है। मतलब पानी की तो इतनी प्रॉब्लम है पूरे अलवर में, मतलब मंथ एक दिन में पानी, एक दिन आता है, दूसरे दिन फिर पानी, दो दिन आता है पानी नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की अलवर। देखो मैं ये नहीं कहूंगी मोदी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सरकार कोई भी आ रही हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन उन दोनों ने पानी की समस्या का हल नहीं किया। पानी की समस्या जो ये अलवर सीट है वो बेसिकली यादव बाहुल्य और अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। दूसरा सेशन थोड़ा सा बताएंगे आपको, कुछ लोगों से यहाँ पर भी बात करेंगे, आइए मेरे साथ। और आज का जो ट्रेन का सफर है वो जयपुर से लेकर के अलवर तक का सफर होने वाला है। यहाँ अभी ये ट्रेन धीरे हुई है लेकिन रुकी नहीं है, ट्रेन पूरी तरह से रुक जाए तभी उतरे। आशा सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी की तो बड़ी आंदोलन होते रहते हैं। अब की बार जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके मुद्दे क्या है? हमारे तो तनख्वाही को बढ़ रही सर, परमानेंट नहीं करते, हमको परमानेंट करें। मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी, गृह मंत्रालय ने सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की कथित वसूली मामले की जांच के आदेश दिए। अमित शाह कल राजस्थान में फूकेंगे मिशन 400 पार का बिगुल, लोकसभा क्षेत्र। पीएम मोदी का 2 अप्रैल को राजस्थान दौरा, लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम, कोटपुतली में जनसभा को करेंगे संबोधित, पीएम के दौरे की तैयारियों में जुटी बीजेपी। अमित शाह कल राजस्थान में फूकेंगे मिशन 400 पार का बिगुल, लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की लेंगे बैठक, सीकर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को एकजुट होगा इंडिया गठबंधन, रैली में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की नामांकन सभा में पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन, उदयपुर में ताराचंद मीणा ने दाखिल किया नामांकन। मुंबई में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकुरकर बीजेपी में शामिल हुई। राजस्थान में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गहलोत ने कहा बीजेपी पार्टी के नेताओं को चाहिए कि तमाम मतभेद भुलाकर एक साथ बैठक कर बातचीत करें। टोंक के मालपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में जमकर हंगामा। बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के पोस्टर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तस्वीर हटने पर मचा बवाल। दौसा से नरेश मीणा ने नामांकन वापस लिया। चलिए हम जयपुर से चल करके पहुंच चुके हैं अलवर, और अब अलवर से ये गाड़ी आगे प्रस्थान कर रही है प्रयागराज के लिए। लेकिन अलवर चूंकि एक लोकसभा क्षेत्र है और ये कहा जाता है कि धार्मिक मुद्दा यहां पर हावी होता है, और साथ ही साथ यहां के जो सांसद थे वो विधायक बन गए हैं, यहां पर इस वक्त क्या स्थितियां हैं ये जरूर देखने की कोशिश करेंगे। आप कहां से हैं भाई साहब? मैं अलवर थाना गाजी से। अलवर थाना गाजी से हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो यहाँ के तो यही है कि यहाँ अभी डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं है जितना होना चाहिए जी। तो यहाँ पे लोगों को, जितने भी जो हैं एमपी हैं एमएलए हैं, उनको यहाँ पे काम करना चाहिए। कुछ बदलाव हो रहा है, आप ट्रेनों में घूम रहे हैं, यात्रा करते हैं, कुछ बदलाव हुआ है 5-10 साल में? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ बदलाव नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है, हर जगह तरक्की हुई है। तो सुविधाएं बढ़ रही है, मतलब ट्रेन की अगर हम बात करें तो आप कहाँ के हैं? मैं लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ से हैं। शेखावटी के? हाँ जी, हाँ जी। ये राजगढ़ लक्ष्मणगढ़? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। अच्छा ये बताइए कि अभी जो पिछले 10 साल में कुछ काम हुआ है मोदी सरकार में? बिल्कुल हुआ है। हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। आपके सांसद का कैसा काम है?
सांसद हमारा ये था बालकनाथ जी, अच्छा है, रोड वगैरह अच्छा है, अच्छे हैं। मुरादाबाद के हैं और यहाँ पर काम पाए, काम पर आए थे, क्या काम करते हैं? कारीगरी का काम करते हैं। कारीगरी अच्छी खासी हो जाती है वहाँ मुरादाबाद में? आपको रोजगार नहीं मिलता? नहीं, काम तो बहुत चलता है। तो इतने दूर कैसे आते हो काम? साथ के लड़के लगवा लाए, अच्छे पैसे मिलते हैं यहाँ, अच्छे पैसे मिलते हैं राजस्थान में, राजस्थान में अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए बाहर के लोग। आप कहाँ के? जी खैरतल के। खैरतल के जी, जी। अलवर लोकसभा में ही है? हाँ जी, हाँ जी। कितना काम हुआ है मोदी सरकार? मोदी सरकार में जितना काम हुआ है अब तक कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। क्या काम हुआ है आपके? आप डेवलपमेंट देखो, प्लेटफार्म के देखो, खैरतल का प्लेटफार्म देखो, मालाखेड़ा का देखो, राजगढ़ का देखो, सब मोदी सरकार के द्वारा ही हुआ। साहब बड़ी समस्या है, क्या वो ट्रेन बंद कर दी इन्होंने हमारी यहाँ? पहले ट्रेन थी रुनिचा, थी रुनिचा थी, अभी शालीमार चल रही थी वो भी बंद कर दी इन लोगों ने। उसको हमारे आने जाने की समस्या हो गई। मैं जोधपुर जॉब करता हूँ मैं, मुझे बहुत दिक्कत आती है आने जाने में, और इसके अलावा घनी समस्याएं हैं। और बताइए ना, घनी कौन सी वाली? ऐसे रोड वोड समस्या है, रोड पर फसला रोड नहीं है, फसला की अच्छी नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा बिजली वाली समस्या भी है, देखो गाँव में बिजली चले जाती है, फिर पता नहीं कितने देर में आएगी, कितने देर में नहीं आएगी। यहाँ अभी चुनाव आने वाले लोकसभा के हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट देते हो? सर देखो, किसानों के लिए सर रात को बिजली देते हैं, अब रात में कितनी ठंड पड़ती है, हाँ। तो बहुत परेशान रहता है गांव में किसान। तो आपके सांसद ने कोई काम किए हैं? काम तो देखो सर, हर सरकार आती है थोड़ा मोटा तो कराती है, लेकिन संतुष्ट है कि नहीं उनके काम से? अब जो काम हो रहा है वो संतुष्टि है। मोदी सरकार फिर से आएगी? कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। आप बताइए भाई साहब कहाँ के हैं? मैं अलवर के रहने वाला हूँ। अलवर में कोई समस्या नहीं है? हाँ, पानी की ज्यादा समस्या है, पानी की ज्यादा समस्या है के अंदर, पानी की समस्या है और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है जी। ऐसे कई मतलब कई बेरोजगारी संबंधी रोजगार बालकों को कोई नौकरी वोकरी के बारे में अभी कोई वो नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को जी। तो आपके सांसद का काम कैसा है? अभी तो सांसद का काम ठीक है हमारे, लेकिन इस जो कांग्रेस सरकार थी उसके अंदर जो जल जीवन मिशन के तहत जो नल लगाए थे उसके अंदर खूब घोटाला हुआ है, उसके अंदर कुछ नहीं किया। लोगों गाँव में अभी नल की पूर्ति नहीं है, वो पानी की बहुत समस्या आ रही है। अभी पर आपकी स्टॉल लगी, उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ ना फायदा। क्या? क्योंकि अब जब तो घर पे रहते थे, अब घर से उठ के यहाँ बैठ गए, यहाँ पे अब स्टॉल वगैरह लगाइए तो कपड़े बिचते, तो थोड़ा बहुत घर में भी फायदा। अलवर में ही बनते हैं ये सारी चीज? हाँ, ये सारा चीज अलवर में। क्या 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 है आपके पास में? हमारे पास में दुपट्टा है और जूतियां हैं और ये चप्पल वगैरह हैं और ये सूट जो हम सीलते हैं, सील के हम यहाँ पे रखते हैं। रेवाड़ी का? रेवाड़ी के हैं। क्या कुछ काम हुआ, विकास हुआ मोदी सरकार में? बहुत बढ़िया काम है सर। काम हो रहा है बढ़िया? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ईमानदारी काम हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। तो लोकसभा के चुनाव में किसको वोट देते हैं? मोदी देव। मोदी आएंगे? क्यों? काम बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया। आप कहाँ के? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से? आपके उधर रेवाड़ी में काम हुआ है, ठीक करें? हाँ बढ़िया, अच्छा काम हुआ है। तो रेवाड़ी में भी अच्छा काम हुआ है, अभी अभी यहाँ पर स्टेशन का काम चल रहा है, कुछ और लोग हैं उनसे मिलेंगे। ये भाई साहब कहाँ के आप, कहाँ से आप? अलवर से। अलवर से हैं। अलवर में कुछ विकास हुआ है मोदी सरकार में? अलवर विकास हुआ है, सड़क बनी है, सड़क बनी है, पुल बन रहे हैं जी, काफी विकास हुआ है अलवर में। एक बात बताओ, महिलाओं को सुविधाएं मिल रही है? मिल रही है ना। पेंशन वेंशन जो गांव में सरकार कह रही है मिल रही है, वो आ रही है? हैं? और क्या सुविधा मिल रही है? सब सुविधा मिल रही है। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज जी जी। अच्छा ये बताइए क्या समस्या है आप लोगों की, इधर आने दीजिए वोट वाले भैया को। समस्या सर कुछ भी नहीं है, अभी ये थोड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, इस वजह से थोड़ा इधर उधर लगाना पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है कि अब आपका स्टेशन अच्छा हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। मोदी सरकार में कुछ काम हुए हैं? हाँ सर, हुए हैं मोदी सरकार। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, हर चीज का निर्माण हो रहा है, रोडे बनी है, हर स्टेशन का काम हो रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी के राज में। हाँ। बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ जी। वापस से आएगी सरकार? वापस आने की 99% उम्मीद तो है सर। 99%? 1%? 1% नहीं, आपको 1% की। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम करमजीत सिंह है। अच्छा, करमजीत जी आप यहीं के अलवर के हैं? हाँ जी सर। आपकी बात, जब लोकसभा चुनाव होंगे मुद्दे क्या होंगे यहाँ के इस बार के? सर इस बार मुद्दे देखो, ये तो बीजेपी का अब राजा है। हाँ। तो बीजेपी देखो अच्छे काम करेगी तो आने वाले समय में भी शायद बीजेपी आ सकती तो अभी है। अभी तक अच्छे काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अब तक तो ठीक चल ठीक चल रहा है जी। हाँ। हाँ जी। तो आपके सांसद के कैसे काम है? सांसद भी सर ठीक ही है, ठीक ही है, बिल्कुल ठीक। ज्यादा अच्छे नहीं है? पार्किंग में कोई परेशानी होती है? नई पार्किंग बन रही है अब, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। नया स्टेशन बन रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी हमको तो है, खुशी है। कमाई बढ़ेगी और क्या, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। ऑटो वालों की समस्या है, आपने रखेंगे? देखिए जगह चाहिए आपको, जगह मिल जाए। पार्किंग बन रही है आपके लिए तो बन रही है? हमारे लिए पार्किंग कहाँ मिलेगी, जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है।
क्या समस्याएं और आपकी यहाँ की समस्या बड़े पकड़ते हैं हमको, तो आप कानून का पालन नहीं करते होंगे? हम तो साइड में लगा रखा, साइड में साइड में लगा रहे हैं। कानून का पालन करिए तो नहीं पकड़ेंगे सर? अभी पकड़ रहे हैं अभी पकड़ रहे हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव आने वाले, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या समस्या है आपके यहाँ की? यही समस्या है सर हमारी, जो ऑटो से इसके अलावा कोई समस्या है? पानी, बिजली, सड़कें सब मिल रही है? नहीं सर, ये तो सब ठीक हो रहा है। काय करो, काय काम करो? कुछ भी ना करें हम तो, कुछ भी ना करें। नहीं, सरकार की जो सुविधाएं मिल रही है कुछ कुछ भी ना, एक तनख्वाह मिले जो भी 750 रुपया मिलता है। 750 क्यों, अब तो 1000 हो गई? नहीं नहीं जी, हमार को नहीं मिल रहा। ये बात आपको नहीं मिलती है? आपको नहीं मिलती है? कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। और मुकू, और मुकू तो कम दिखे, बिल्कुल बिल्कुल दिखे ना है, ये खूट पर लेट गई छूट। नहीं, लेकिन जो जो सरकार पेंशन देती है बुजुर्गों को, 7.5 मिल रहा है? 7.5 मिल रहा है? हाँ। आपने बताया नहीं? बता दिया, खूब कोई करवावे ना सर, नहीं करवा रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला, ना मिला साहब। मकान नहीं है आपके? है गए सर जी, कच्चे झोपड़े बस। हाँ जी, कंजी। लेकिन मकान नहीं बना? नहीं बने। कछु कुछ कछु ना मिल रहे हो? नहीं मिल रहा जी, नहीं मिल रहा कोई, हम तुमसे झूठ बोल रहा है। डालते हैं, क्या नाम है आपका? राजन। है राजन? क्या राजन? राजन, राजन जी। अरे इतना अच्छा नाम है आपका राजन जी। विकास हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। पानी भी है? अब विकास होगा, यहाँ पहले नहीं के विकास होता था? पहले नहीं होता था, अब हुआ है? अब हो रहा है विकास, देखो। अब यहाँ सड़कें बनने लगी हैं, रोड जहाँ खराब थे वहाँ रोड सही होने लगे हैं, पहले का। अब की बार लोकसभा में क्या है, कौन जीतेगा? अब की बार तो बीजेपी जीतना चाहिए सर। हाँ, क्यों जीतनी चाहिए? वो काम अच्छा करती है इसलिए। हाँ, और आप यही क्या है? हम यूपी के है। अच्छा, यूपी के हो? अरे योगी बाबा के वहाँ से? हाँ हाँ, योगी बाबा। वहाँ कैसा काम हुआ है? आप कहाँ के हो बाबू जी? यही कहा है, अलवर के हैं। हाँ जी, है? हाँ जी। काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है? विकास, विकास हो रहा है, सरकार करवा रही है? करा रही है काम? हाँ, बिल्कुल करा रही है। क्या करवाया? सब कुछ कराया, सबको अनाज दिया है, फ्री में सब काम किया मोदी ने, ऐसी बात। अच्छा, आपको पेंशन मिलती है? पेंशन हमारी बंद कर दी है। क्यों? कोई कारण हो गया, बीच में जो इंक्वायरी आई थी ना, उन्होंने गलत रिपोर्ट दे दी है। हाँ। तो गलत रिपोर्ट से क्या है?